Hey guys, welcome to my YouTube channel Be Crafty, and hi, this is Rutika Sangodkar. So in this video, I'll be showing you guys DIY gift ideas that would be very last minute and for any occasion. So let's get started. DIY हमें चाहिए same size papers. तो मैंने उसे already holes कर दिए हैं with the use of rounder. तो अभी decorative के लिए मैं red heart use कर रही हूँ. Every page के corner में मैं stick करने वाली हूँ ये. So now we are done with it. अभी हमें चाहिए एक binder ring, क्योंकि हम एक photo book type बना रहे हैं. आप ribbon भी use कर सकते हैं अगर आपके पास binder rings ना हो तो. तो अभी एक ब्लैंक पेपर लेना है एंड नाउ वी आर गोना स्टिक इट. मैं उस पे स्टिकर लगा रही हूँ. इफ यू वांट यू कैन राइट एज वेल एज ड्रॉ ऑन इट एज पर योर चॉइस. We are done with our first DIY. आप इसमें हैंड रिटन लेटर आपके फोटोज भी स्टिक कर सकते हैं. ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट लगेगा. So, अभी हमें चाहिए एक ब्लैंक पेपर. मैंने 29 by 9 inch का पेपर लिया है एंड हमें उसे डिवाइड करना है 4 to 5 पार्ट्स में. सारे पार्ट्स को हमें फोल्ड करना है. इसे पैटर्न पेपर या और कलर पेपर से डेकोरेट करने वाली हूँ. सो नाउ यू आर गोना स्टिक इट. अभी यहाँ पे स्टिकर टैग यूज कर रही हूँ. नाउ वी आर गोना टाई इट विद अ पेपर रोप. Also stick photos inside as well as write letters. So we are done with our second DIY gift. So the third DIY is a photo frame. हमें चाहिए cardboard according to the photograph. Need bamboo sticks. हमें photo frame के accordingly bamboo stick cut करना है. मुझे ब्लैक कलर में चाहिए तो मैं पेंट करी ब्लैक. आप आपकी चॉइस का कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लेन जो भी बैम्बू स्टिक का कलर है वही रखिएगा. मार्क लाइन अकॉर्डिंग टू द फोटो एंड देन वी आर गोना स्टिक इट. gonna stick the bamboo sticks. मैं डेकोरेट करने के लिए फ्रेम पे फोम फ्लावर्स यूज कर रही हूँ एंड वी आर डन. Hope you guys like this video and please hit the subscribe button. I'll be putting more such videos, and comment down below if you have any suggestion for me. Thank you for watching.